दोस्तों इस वीडियो में ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा की बात करेंगे। तो दोस्तों किस तरह से आप डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा होता क्या है। दोस्तों डेटा हमारे पास अलग अलग फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है, और नॉर्मली जो डेटा होता है वो न्यूमेरिकल डेटा होता है। तो आप इस न्यूमेरिकल डेटा को, जैसे कि मान लीजिए यहां पर कुछ नंबर पड़े हुए हैं, आप इस डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, मतलब कि इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक कैसे लगाएंगे। दोस्तों डेटा को ऑर्गेनाइज करना और उसको सिस्टमेटिक लगाने के लिए हमें टेबुलर स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। कैसे बनाएंगे टेबुलर स्ट्रक्चर ये देख लेते हैं। टेबुलर स्ट्रक्चर का मेरा कहने का मतलब है कि आपको डेटा की जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है ना, इनको एक टेबल के फॉर्म में बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे पहले एक बेसिक डेटा की जो लाइफ साइकिल होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और फिर मैं आपको इसकी टेबुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक सिनेरियो और एक एक्टिविटी दूंगा, उसी एक्टिविटी में हम ये समझेंगे। देख लेते हैं सबसे पहले बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं डेटा के। देखिए दोस्तों ये डेटा के बेसिक कंपोनेंट होते हैं। डेटा हैंडलिंग के बेसिक कंपोनेंट अगर हम वन बाय वन देखें, सबसे पहले आप कोई भी एक्टिविटी डिसाइड करते हो, ठीक है, किस एक्टिविटी को आप करने जा रहे हो, ठीक है। तो जो आगे वाले आने वाले केस में मैं आपको जो एक्टिविटी बताने जा रहा हूं उसमें मेरी एक्टिविटी क्या है कि मारिया एक लड़की है, वो एक लंच प्रिपेयर कर रही है, ठीक है। तो उसको कुछ उसका डेटा चाहिए, कुछ ऑर्गेनाइज करना है डेटा, वो हम देखेंगे। डेटा आप रिकॉर्ड कैसे करोगे, ठीक है, किस तरह से डेटा की रिकॉर्डिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, ये हमारा टॉपिक है। और उसके बाद एनालाइज कैसे करोगे, इसके बाद हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आती है एक्टिविटी, दूसरे पे आता है रिकॉर्डिंग, तीसरे पे आती है ऑर्गेनाइजेशन, चौथे पे आती है एनालिसिस, ठीक है। तो अभी हम यहां पर हैं ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा पे। तो जो मारिया लंच के लिए प्रिपेयर कर रही है उसने डेटा को रिकॉर्ड कर लिया, उसको चाहिए क्या क्या, तो यहां पर रिकॉर्डिंग में उसके पास वेरिएबल्स आ गए, ठीक है ना। तो लंच के लिए मारिया क्या क्या वेरिएबल, क्या क्या चीजें बनाने वाली है, राइस बनाने वाली है, चपाती बनाने वाली है और एक वेजिटेबल बनाने वाली है। तो इस तरह से वो डेटा है। अब ये डेटा तो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, अब इसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें दोस्तों ऑर्गेनाइज करने में काम आएंगी। बेस्ट तरीका है, जैसे मैंने बताया था, आपको एक टेबलर स्ट्रक्चर चाहिए, एक टेबल आपको चाहिए। उस टेबल में आपको, जैसे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको बताता हूं, इधर आ जाते हैं वेरिएबल और इधर आ जाती हैं वैल्यूज। तो वेरिएबल और वैल्यूज से अगर आप बनाएंगे तो ये देखिए सारी वैल्यूज आपने भर दी वेरिएबल्स के फॉर्म में और यहां पर आपका डेटा ऑर्गेनाइज्ड हो गया। और ऑर्गेनाइज डेटा का आप इजीली एनालिसिस निकाल सकते हैं, इजी हो जाता है ऑर्गेनाइज डेटा का एनालिसिस निकालना। तो इस तरह से दोस्तों ये टोटल ओवरऑल स्ट्रक्चर डेटा हैंडलिंग का चलता है, जहां से आपने एक्टिविटी से शुरू किया और एनालिसिस पे खत्म किया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा देखते हैं इसी केस में। तो जो एक्टिविटी लेके चले थे वो क्या थे, मारिया ने लंच बनाना है। लंच में जैसे मैंने पीछे आपको बताया था तीन कंपोनेंट इन्होंने रखने हैं, राइस रखने हैं, चपाती और वेजिटेबल रखना है। बट अब यहां पर इनकी जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि कितने लोग, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या क्या चीजें पसंद करेंगे, ठीक है। तो स्कूल में जैसे मारिया बनाना चाहती हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने इसको पसंद करेंगे, कितने राइस पसंद करेंगे, कितने चपाती खाएंगे, कितने वेजिटेबल खाएंगे, ये आप किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो इनको टेबुलर स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से डेटा मिला, कैसे बना लेते हैं एक बारी। यहां पर चॉइस लिख ली और कंपोनेंट लिख लिए, राइस एक चॉइस थी, चपाती एक चॉइस थी और एक वेजिटेबल एक चॉइस थी, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने दूसरा कंपोनेंट क्या बनाना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना क्या क्या कंपोनेंट लेंगे। तो उसको किस तरह ऑर्गेनाइज करेंगे दोस्तों देख लेते हैं। जैसे कि इनके पास एक डेटा आता है रिकॉर्ड, जो इन्होंने रिकॉर्डिंग करी है, 17 स्टूडेंट राइस पसंद करेंगे, 13 स्टूडेंट चपाती पसंद करेंगे और 20 स्टूडेंट वेजिटेबल पसंद करेंगे, ये इनके पास रिकॉर्डिंग आती है। अब यहां पर ये इसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगी इसको ऑर्गेनाइज, ये देखना है दोस्तों यहां पे। अब इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम टेलीमार्क मेथड बोलते हैं। पहले मैं आपको मेथड समझा दूंगा और फिर यहां ऑर्गेनाइज करके दिखाता हूं। टेलीमार्क मेथड पे चलते हैं। टेलीमार्क मेथड क्या कहता है, जैसे आपके पास कोई एक नंबर है, मान लेते हैं आपके पास 7 एक नंबर है, तो आप इसकी सबसे पहले मार्किंग कर दीजिए। मार्किंग कैसे करेंगे, आप इसको इस तरह से बना दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपने यहां बार्स बना दिए, ठीक है जी। अगर आपके पास नंबर 17 आता है इसकी मार्किंग कर दीजिए, ठीक है ना। ये मैं आपको बेसिक मार्किंग बता रहा हूं, आपको बेसिक मार्किंग,
बेसिक मार्किंग आप किस तरह से करेंगे, ये क्या हो जाएगी, ये आप 17 बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये देखिए कितना लंबा प्रोसेस हो गया और कितना कॉम्प्लेक्स हो गया, बट एक भी मार्क अगर आपसे छूट गया तो ये वैल्यू गलत हो जाएगी। तो बेसिक मार्किंग में हमें इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, ठीक है, कि बड़े नंबर के लिए, बिग नंबर्स के लिए ये बेसिक मार्किंग, ये वाला जो मेथड है ये ठीक नहीं है, ठीक है ना, नॉट गुड फॉर बिग नंबर्स, बिग नंबर्स, ठीक है। तो इस केस को सुलझाने के लिए टेली मार्किंग एक मेथड मेरे पास निकल के आता है। टेली मार्किंग क्या कहता है, 7 की टेली मार्किंग करनी है, ठीक है, टेली मार्किंग में लिख देता हूं कैसे करेंगे 7 की टेली मार्किंग, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 6 7, इस तरह से। जैसे ही फोर कंपोनेंट फोर बार बनेंगे, एक फिफ्थ बार से आप इसको काटेंगे और इसको आप 5 बोल देंगे, +1 +1, ये टोटल हो जाएगा 7। मतलब कि जो 5 5 के आप क्या बना लेंगे, कुछ एक बकेट्स बना लेंगे, ठीक है, 5 नंबर की बकेट्स बन गई, तो आपको इजी हो जाएगा, 5 काउंट करना आपको बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपने 5 काउंट करना इजी हो गया तो आप बड़े नंबर तो इजीली काउंट कर सकते, क्योंकि 5 तो आपको एक ही बारी में मिल जाता है। इसी को समझाने के लिए 17 को एक बारी काउंट करके दिखाता हूं। देखिए 17 अगर मैं लेता हूं, 17 में कितने टाइम्स 5 आता है, 5 × 3 15 आता है, प्लस ऑफ 2 आता है, तो 5 को तो मैं सिंपल मार्क कर दूंगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और देखिए 2 मैंने बार एक्स्ट्रा ले लिए, तो क्या हुआ, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, +2 प्लस कर दीजिए, ये 17 बन गया। देखिए कितने इजीली मैंने बना दिया, और बार की गलत होने की भी कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। तो टेलीमार्किंग इस तरह चलता है कि आपको बार्स बनाने हैं, और 5 का स्पेशली जो काउंट है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है कि 1 2 3 4, 4 आपने बार बनाए और एक फिफ्थ इसको ऐसे काट दिया, तो आपकी टेलीमार्किंग ऐसे काम करती है। तो डेटा को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया टेलीमार्किंग मेथड से, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को करने के लिए टेलीमार्किंग एक मेथड होता है। 17 की टेली मार्किंग करते हैं, तो यहां पर लिख देते हैं ऑर्गेनाइज कैसे किया इन्होंने डेटा, ब्रैकेट में लिख देंगे टेली मार्किंग मेथड से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया डेटा। यहां आप लिखते हैं टेली मार्किंग करते हैं कैसे, 17 की करेंगे, 17 में कितनी टाइम्स 5 आता है, 3 टाइम्स आता है, यहां लिख भी देते हैं 5 × 3 + 2, ठीक है ना, 13 में 5 कितनी बारी आता है, 5 × 2 + 3, 5 × 10 + 3 = 13, इसमें 5 4 बारी आता है, तो एग्जैक्टली 20 मिलता है। इसी चीज को आप यहां डायग्रामेटिकली बना दीजिए टेली मार्किंग के थ्रू, कितनी बारी 5 आता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आपको 3 ब्रैकेट चाहिए, ये 1 2, फिर 13 को कैसे लिखेंगे, 2 बारी 5 बनाएंगे 5 के ब्रैकेट, और फिर 3 यहां इस तरह से लिख देंगे। 20 कैसे लिखेंगे, 4 बारी 5 के ब्रैकेट बनाएंगे, ये देखिए, तो 5 के 3 ब्रैकेट यहां हो गए, 2 बार यहां हो गए, 5 के 2 ब्रैकेट यहां हो गए, 3 बार अकेले यहां हो गए, 5 के 4 ब्रैकेट यहां हो गए। तो इस तरह से दोस्तों टेली मार्किंग मेथड से हम इस पर्टिकुलर डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा के कंपोनेंट हमने सबसे पहले लिखे यहां पे, इनको हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ठीक है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, ठीक है ना, वो हमने यहां कॉलम नंबर 2 में ऑर्गेनाइज कर दी, और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है वो हमने यहां कॉलम नंबर 3 में ऑर्गेनाइज कर दिया, किससे, टेली मार्किंग मेथड से। तो सो इस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस यही है कि जो भी न्यूमेरिकल कंपोनेंट है जो मैंने यहाँ बनाए हैं उसको आपको फॉर्मलाइज करना है, एक स्ट्रक्चर देना है, स्ट्रक्चर देना है, और कैसा स्ट्रक्चर देना है कि वो डेटा आपको बहुत ही सिंपलीफाइड और ईजी फॉर्म में दिखे, ठीक है। तो जो टेबलर फॉर्म होती है बहुत ही ईजी फॉर्म होती है, आपको आपको उसके अंदर देखिए, जो जैसे हम मैगजीन्स में देते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, टीवीज़ में देखते हैं, तो आपको टेबलर डेटा बहुत इजीली और बहुत ही अच्छे से समझ आता है। तो इससे दोस्तों हम डेटा की ऑर्गेनाइजेशन सीख सकते हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग की।